सर आप पहले शुरू से लेकर आज तक की इसकी ऑर्गेनाइजेशन उसने किसी का थॉट रहा, क्यों कराना शुरू किया और खाली गुलदाव जी हुई थी? देखिए सन 2000 में एक बहुत छोटी सी शुरुआत इस गुलदाव जी प्रदर्शनी की हुई थी और मुझे बड़ी खुशी है कि हरेली के कुछ प्रेमी गुलदाव का जनता का जो प्रेम मिला है उससे आज हम अपने 23वें वर्ष समापन कर रहे हैं। और जहाँ तक खुश प्रदर्शनी ही क्यों, क्योंकि एक बरेली में क्लास लवर सोसाइटी होती थी जिसके चेयरमैन डॉक्टर कुमार ऋषि मेहर होते हैं, क्योंकि संसाधनों की कमी से या ग्राउंड की कमी से और वजह से वो नहीं चल पाए। जब कुमार साहब ने बरेली को लगा थी कि मैं चाहता हूँ कि एक और एक खुश प्रदर्शनी गुलदाव जी, क्योंकि फ्लावर शो जो एल्बम पास में और दो जगह और भी होती थी उसका खुश प्रदर्शनी मिला है और सबसे लेकर आज तक जो बरेली की जनता का प्रेम मिला है, आशीर्वाद मिला है और जो इंस्टीट्यूशन हमारे उन्होंने जो हमें सहयोग दिया उसके लिए मैं हरी उन सबका खुशी है कि आगे भी मैं चाहूँगा कि इस तरह की प्रदर्शनी मिली है आगे खुशी है और एक संडे के दिन अच्छा माहौल में बरेली के लोगों को अच्छे देखिए हमारे यहाँ दो तरह के होते हैं, एक इंस्टीट्यूशंस और एक अपना इंडिविजुअल्स। क्योंकि इंस्टीट्यूशंस के जो गमले आते हैं वो 500, 150 गमले, 70 गमले, 100 गमले, पर जो इंडिविजुअल आता है वो तो अपना 10 गमले 12 गमले लाता है तो उनसे कंप्लीट नहीं कर सकता है। इसमें कैटेगरीज होती है, इंस्टीट्यूशंस में एक 12 पॉट की एक कैटेगरी है, 6 पॉट की एक है, 3 की 1 है और फिर 3 और 2 है, ये हमारे होते हैं। और इंस्टीट्यूशंस में 12 होते हैं, बाकी 6 में हम डिवाइड करते हैं इंडिविजुअल। तो इस तरह से कैटेगरी होती है, इसका जजमेंट होता है, कल इसका जजमेंट हुआ है, 2 दिन का प्रदर्शनी होती है और कल जो था वो आम जनता के लिए, स्कूल के पेरेंट्स के लिए, गार्जियंस के लिए और यूनिवर्सिटी के लिए, आज इनवाइटेड गेस्ट हैं और आज अपनी प्राइस ठीक। सर इसमें जो कैटेगरीज आते हैं करीब 1100-1200 पॉट्स जो हैं वो डिस्प्ले पे हैं। 1100-1200 पॉट्स जो हैं वो बड़े हाई क्वालिटी के गुलदाउदी के पॉट्स हैं, ऐसा नहीं है कोई भी गुलदाउदी का गमला खिला और आपने ला के रख दिया। पहले ऐसे ही होता था पर जब लोगों ने आके देखा कि किस तरह से अच्छे पॉट्स आ रहे हैं तो उन्होंने उसी हिसाब से तैयारी करी, हमने भी लोगों को एजुकेट करा कि गुलदाउदी कैसे ग्रो करते हैं। ये प्रोसेस हमारा जुलाई से स्टार्ट हो जाता है जो अब दिसंबर में आपको, अब ये जितने भी ये प्लांट्स जो आप फूल देख रहे हैं ये दिसंबर एंड जनवरी तक इन सबको मदर प्लांट्स को हम सेव करेंगे और जुलाई में फिर की हम कटिंग लगा के फिर उनके काम। ऑल द बेस्ट फॉर मेनी फ्यूचर मोर टू हैव। थैंक यू सो मच।